तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अक्ति गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले अपना एक घर। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक विलेज को फाइंड किया था। दरअसल वो विलेज मेरे उसी तरफ है, मतलब ज़्यादा दूर पे नहीं है, तो मैंने इस तरफ बना। सो मैटर जानते हो क्या है, दरअसल वो विलेज डेजर्ट एरिया में है ना, तो मेरी हैंगर बार बहुत जल्दी डाउन हो जाती है, इसलिए मैंने इस तरफ आके घर बनाया। पता नहीं क्या है यार, इस वर्ल्ड में हैंगर बार बहुत जल्दी डाउन होती है, खाना बहुत लग रहा है। सो इस प्रॉब्लम का देखते हैं क्या होता है, हैंगर बार की उतनी जल्दी जल्दी डाउन होती है। तो अभी चलो घर बनाते हैं। घर बनाने के लिए इतना सारा सामान मैंने काट पीट के रखा हुआ है। अब आसपास के एरिया में इससे ज़्यादा सामान मुझे और कुछ मिला ही नहीं, केवल लकड़ियाँ हैं और लीव्स हैं। इसी से बनाएंगे कोई घर, अच्छा सा ट्री हाउस। और मैंने यहाँ पर एक जगह पर प्लेन करके रखी हुई है, बहुत सारे ब्लॉक्स को माइन करके लाया हूँ उधर सामने से। ये एक ब्लॉक बीच में क्यों लगा हुआ है, शान खराब कर रहा है हमारे प्लॉट की। तो ये थोड़ा सा प्लेन एरिया बना के रखा है, यहीं पे अपना घर बनेगा। वैसे ही काफ़ी बहुत ही बड़ा प्लेन एरिया बना दिया है, इतने में काम बन जाएगा, अभी शुरुआती घर है अपने सर्वाइवल का। सो कहाँ से शुरुआत करें। ओ भाई वो कौन आ रहा है, अबे तो शेर है वो, तेरी अपने सर्वाइवल में शेर दिख गया हमको। अरे यार क्या है मेरे पास, एक से मारते हैं इसको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है शेर। आप लोगों ने इसका डैमेज नहीं देखा, मैंने आर्मर पहन रखा है इसलिए, वरना दो शॉट में ख़त्म कर देता। और मैंने जो आर्मर पहन रखा है, अरे भाई शेर मर गया। अरे तो मैंने ये जो आर्मर पहन रखा है, दरअसल नाइट में स्पॉन हुए थे कुछ मॉब, उन्हीं से मिला है मुझको ये, पता नहीं क्या नाम है, बस मैंने पहन लिया। नाउ हम लोग जा रहे हैं विलेज में, जो विलेज हम लोगों ने फाइंड किया था वो देखो सामने दिख गया ना आप लोगों को, तो हमारे पास में ही है, जस्ट पास में, मतलब ज़्यादा दूर दौड़ के नहीं जाना है। तो देखो वहाँ से यहाँ तक आया, तीन हैंगर बार डाउन हो गई। अबे इतना बड़ा दिक्कत होता है मुझे खाने के लिए, खाना भी नहीं मिलता है, कोई जानवर भी स्पॉन नहीं हो रहा है आसपास, पता नहीं क्यों, यही शेर बकरी चीता ये सब स्पॉन होते हैं। सो ये गोलम ऐसे ही चलता है कि मुझे लग ही रहा है कि कुछ अलग तरह से चल रहा है गोलम, मैंने आज तक कभी ध्यान नहीं दिया। चलो छोड़ो अपना, खाते हैं चलते हैं, गोलम का क्या हो तो कुछ भी, इतना बड़ा शरीर लेकिन चले कॉमेडियन के जैसा रहा है, वाह भाई गोलम। अभी बारी आती है अपना घर बनाने की, इधर से शुरू करें, इधर रखते हैं सबसे पहला ब्लॉक, नहीं इधर से नहीं अच्छा लगेगा, इधर से रखते हैं, थोड़ी जगह भी छोड़ दे क्योंकि घर के पीछे कुछ भाई बनाना है तगड़ी चीज़, भी देखते हैं क्या बनाते हैं। एक एक ब्लॉक रखना शुरू करो यार, बहुत ही टेम लगने वाला है सर्वाइवल पे। और इसी के साथ बन गया अपने घर का दरवाज़ा, अभी चलते दरवाज़ा वगैरह बना के लाते हैं और लीव्स लेके आते हैं। लीव्स उधर मैंने जो रखी थी ना, बताया तो था कि हम लोग ट्री हाउस बनाने वाले हैं, तो लीव तो चाहिए ही ना ट्री हाउस में। बस इस ट्री हाउस में जड़ें नहीं होंगी, मतलब पेड़ तो होगा लेकिन जड़ें नहीं होंगी, अब वो लॉजिक है हमारा माइनक्राफ्ट का। तो हमारे पास बर्च की हैं और इसको क्या बोलते हैं, ओक की हैं, तो अभी लगाना शुरू करते हैं पत्तियाँ, इधर से इधर लगाते हैं। और इसी के साथ हो चुकी है सुबह और हमारा घर लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने वो पूरा का पूरा दरअसल फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि रात थी यार, वीडियो में इतना मज़ा नहीं आता, क्वालिटी बेकार आती। अबे एप्पल मिल गया मुझको, देखो मेरा एक हंगर बार डाउन है और मुझे एप्पल मिल गया, देख रहे हो, इसको बोलते हैं किस्मत। अभी चलते हैं ऊपर, दरअसल ऊपर एक रूम बनाना है मुझे, इस तरफ जिधर डर्ट लगी वो इधर एक रूम बनाना है। अरे एक रूम भी तो होना चाहिए घर में, केवल घर ही बनाने क्या फ़ायदा। अभी वहाँ से एक वुड लाना पड़ेगा ताकि यहाँ सीढ़ी लगा पाऊँ, यार मैं बड़ा दिक्कत हो रहा है, मेरे पास सामान ख़त्म हो गया, इतना सारा सामान इकट्ठा करके रखा था, बस मेरे पास सबसे ज़्यादा लीव्स ही बची हैं, लीव्स जितनी चाहे उतनी खर्च करा लो, बहुत सारी लीव्स रखी हुई हैं देख रहे हो। और बर्च की लीव दरअसल लाल कलर की दिखती है, ये बना दी लेटर। अभी कोई दिक्कत नहीं होगी ऊपर से नीचे जाने में, क्योंकि रूम बनाने में बहुत बार नीचे से ऊपर लगाना, देखते हैं कैसा बन सकता है, जितना होगा उतना अच्छा बनाने की ट्राई करेंगे वैसे। और तीन ही सीढ़ियाँ बनाई है, वाह भाई उछल के जा लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और भाई अबे असली मामला तो अब फंसा, अब मैं इधर कौन सा डिज़ाइन बनाऊँ, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है, चलो शुरू करते हैं, जो होगा देखा जाएगा और क्या। बिर्च वुड का क्या ही बताएं, पता नहीं कैसे लाल हो गई यार, मैंने कोई शेडर वेडर भी नहीं लगा रखा, ये पता नहीं मेरा माइनक्राफ्ट वर्जन ही वैसा है कि बिर्च वुड लाल ही हो रही है, मतलब बिर्च लीव्स, पता नहीं क्या मामला है। चलो कोई नहीं, हमको तो एक अच्छी लीव्स ही मिल गई ना, अच्छी है यार, कोई दिक्कत नहीं है, लाल कलर की भी अच्छी लगती है। अभी इसको थोड़ा डेवलप कर देते, अरे यार ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, पर चलो कोई नहीं, कुछ तो बन गया सर्वाइवल में रहने के लिए, कुछ तो बन गया ना मेरे पास।
वैसे मैंने अपना ट्री हाउस इतना ज़्यादा नेचुरल बना दिया है कि अब इसको और ज़्यादा नेचुरल करने की ज़रूरत ही नहीं है। लग रहा है कि भाई किसी बंदे ने आके यहाँ पे बहुत ही कायदे से हगा। हाँ देख रहे हो कितना अच्छा घर बना दिया मैंने। अरे काफ़ी अच्छा तो लग रहा है यार, मुझे तो इतना ख़राब नहीं लग रहा है। अब जिसने बनाया उसको क्यों ख़राब लगेगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ सर्वाइवल की अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।